हेलो स्टूडेंट्स, वर्क पर एनर्जी के कुछ क्वेश्चन हो गए थे हमारे, बाकी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज ए मास एम इज अटैच टू ए थिन वायर एंड वायर्ड इन ए वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में एक मास को हम इस तरह से घुमा रहे हैं। द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन, कब वायर के ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। भाई वायर को क्या करना है, वायर क्या करेगी, जैसे ही ऑब्जेक्ट रोटेट जब ये यहाँ घूमेगा तो वायर स्ट्रेच होगी, उसमें टेंशन डेवलप होगी। तो जब तक वो उस टेंशन को झेल सकती है ना, जब तक उस टेंशन को वो होल्ड कर सकती है तब तक तो क्या होगा, तब तक वो ब्रेक नहीं करेगी। लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो वायर ब्रेक कर जाएगी। अब ये देखो, सारे पॉइंट्स देख लें, इस पॉइंट पे देखें तो mg किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन किधर, अपवर्ड। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज t माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो T इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। बाकी किसी भी पॉइंट पे आओगे अब तो एम जी तो इधर, तो एम जी का एक कंपोनेंट इधर, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये एम जी कोस थीटा, टेंशन इस डायरेक्शन में। तो T माइनस एम जी कोस थीटा क्या लिखोगे, M इंटू यहां पे जो स्पीड है उसका स्क्वायर बाय आर। तो थीटा चेंज होता जाएगा तो ये वाला फैक्टर चेंज होता जाएगा, स्पीड भी चेंज होती जाएगी, तो टेंशन डिक्रीज होती जाएगी, है ना। ये फैक्टर कम होगा, ये कम होगा, तो टेंशन कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा टेंशन किस पॉइंट पे होगी, लोवेस्ट पॉइंट पे होगी, यानी आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, ये बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, एंड स्लाइडिंग अलॉन्ग ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक, फ्रिक्शनलेस स्मूथ ट्रैक पे स्लाइड कर रही है फ्रॉम ए हाइट एच, जस्ट कंप्लीट ए वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी इक्वल टू डी। यानी यहाँ जस्ट कंप्लीट कर रही है भाई, वर्टिकल सर्कल जस्ट कंप्लीट करने की कंडीशन क्या है कि जो बॉटम पे उसकी वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, रूट फाइव जी टाइम्स सर्कल की रेडियस के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखो कि यहां आए तो उसकी वेलोसिटी रूट फाइव जी टाइम्स इसकी रेडियस के इक्वल होनी चाहिए, और जब ये इस हाइट से इस पॉइंट पे आएगा, यहां से अगर देखें कि एच डिस्टेंस जब नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, वैसे डायरेक्ट पता होना चाहिए लेकिन अगर ना भी पता हो तो ऐसे लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज करेगी। यहां अगर जीरो पोटेंशियल एनर्जी है तो यहाँ कितनी एम जी एच, यहाँ से इस लेवल पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच से डिक्रीज करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से बढ़ेगी, तो वेलोसिटी आएगी रूट टू जी एच, इसको किसके इक्वल करना है, रूट फाइव जी आर के इक्वल करना है, ये कैंसल आउट, रूट कैंसिल कर दो, क्या बताना है, एच इज इक्वल टू फाइव आर बाय, क्लियर है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारी नोटबुक का था। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच ए बॉडी ऑफ मास एम मस्ट इंटर ए वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस सो दैट इज जस्ट इट कैन कंप्लीट द लूप, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आंसर इज रूट फाइव जी आर। एक क्वेश्चन 18 में, एक क्वेश्चन 16 में, सेम कंसेप्ट। नेक्स्ट, ए पार्टिकल विद टोटल एनर्जी ई इज मूविंग इन ए पोटेंशियल एनर्जी रीजन, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द रीजन व्हेन, ये देखो जो टोटल एनर्जी है दैट इज ई, ठीक है,
और टोटल एनर्जी किसके इक्वल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसके इक्वल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी हो सकती है, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ई। पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है ई, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी या तो लेस देन होगी या इक्वल टू होगी किसके, ई के। क्लियर है, मैक्सिमम वैल्यू ई है वरना इससे कम रहेगी, तो यू इज लेस देन इक्वल टू ई, आंसर इज दिस। ये देखो, टू सिमिलर स्प्रिंग्स पी एंड क्यू, दो स्प्रिंग हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिए के पी एंड के क्यू सच दैट के पी इज ग्रेटर देन के क्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट पी का के से ज्यादा दे दिया। दे आर स्ट्रेस्ड फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट यानी सेम डिस्प्लेसमेंट से, देन बाय सेम फोर्स, ठीक बात है। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग्स पी डब्ल्यू पी एंड डब्ल्यू क्यू आर रिलेटेड एज, पहले केस में देखो सेम अमाउंट से स्ट्रेच करना, तो इसके लिए वर्क होगा हाफ के पी एक्स स्क्वायर, और इसके लिए तो भाई अमाउंट तो सेम है लेकिन के पी के क्यू से ज्यादा है, ठीक है। तो यहां क्या आया, वर्क डन बाय पी इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय क्यू, ठीक है। और यहां शायद अगर ये मैग्नीट्यूड का केस नहीं है तो थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, ये देखो कि ऐसे भी देखा जा सकता है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग बोल रहा है ना, तो थोड़ा सा अगर साइन कन्वेंशन भी लेके चलें तो ये देख लो कि डिस्प्लेसमेंट दो एक्स, तो स्प्रिंग फोर्स इधर के एक्स, ठीक है, और एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दी डी एक्स, ठीक है, जीरो से एक्स तक दें, तो डिस्प्लेसमेंट इधर फोर्स इधर, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, तो ये वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी ये नेगेटिव आएगी तो तुम्हारा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसको थोड़ा कंसीडर करें, तो कंसीडर करेंगे तो डब्ल्यू पी इज लेस देन डब्ल्यू क्यू। सेकेंड केस में क्या है, देन बाय द सेम फोर्स, फिर क्या है, सेम फोर्स से पुल कर रहा है, सेम फोर्स से पुल करेगा, तो पहले वाले के लिए तो फोर्स अगर देखोगे तो क्या लिखोगे, के पी इंटू इसकी डिस्प्लेसमेंट, दूसरे वाले के लिए फोर्स के क्यू इंटू एक्स क्यू, ठीक है, फोर्सेस के पी इंटू एक्स पी, और दूसरे के लिए के क्यू इंटू एक्स क्यू। यहां से ये क्या है कि इसको इसकी टर्म्स में तुमसे सोल्व करवाना चाह रहा है, तो इसका वर्क क्या लिखेगा, डब्ल्यू पी इज माइनस हाफ के पी, और एक्स पी को क्या लिख सकते हैं, एफ बाय के पी, तो एफ स्क्वायर बाय के पी स्क्वायर हो जाएगा, तो अब के पी तुम्हारा डिनोमिनेटर में बचेगा, और इसके केस में भी क्या होगा, जो के क्यू है वो तुम्हारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आने से क्या होगा कि ये मैग्नीट्यूड अगर देखें तो पी की वैल्यू पी के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्यू से ज्यादा है, पी के लिए क्यू से ज्यादा है, तो P के लिए अगर Q से ज्यादा है तो P ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ज्यादा होना, मान लिया कि ये अगर माइनस टू है और ये माइनस थ्री है तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो वर्क डन बाय P इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय Q, तो आंसर इज कहाँ गया, P का Q से ज्यादा है और Q का, हाँ आंसर इज B, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें देखो एक ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग, ठीक बात है, द स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम द सीलिंग एंड हैज ए फोर्स कॉन्स्टेंट वैल्यू k, ठीक है, द मास इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेस्ड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इज। भाई ये देखो, ये कंसेप्ट काफ़ी बार मैंने बताया क्लास में कि एक स्प्रिंग है, हैंग कर रहा है, इसके नीचे एक ब्लॉक लगा है, उस ब्लॉक को ऐसे हाथ पे रखो और स्प्रिंग क्या नेचुरल लेंथ में है। एक तो प्रोसेस है, इसको धीरे धीरे लाएं, धीरे धीरे लेके आ रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि नीचे ग्राउंड पे तो क्या होगा, पहले नॉर्मल रिएक्शन भी दे रहे हो और एम जी तो फिक्स है, और धीरे धीरे नीचे आओगे तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ती जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन कम होती जाएगी, एक इंस्टेंट पे स्प्रिंग फोर्स एम जी को बैलेंस कर लेगी, फिर हाथ हट जाएगा, वहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो वो तो कंडीशन आई एम जी इक्वल टू के एक्स, यहाँ पे वेलोसिटी तो गेन ही नहीं कर पा रहा, तो जहाँ पे फोर्स जीरो हो गई वहीं पे रुक जाएगा। एक तरीका है कि ये स्प्रिंग हैंग कर रहा है, यहाँ ब्लॉक है, हाथ हटा दिया तो स्प्रिंग ब्लॉक एकदम से भागेगा, क्यों, स्प्रिंग फोर्स तो जीरो है और एम जी फोर्स की वजह से एक्सीलरेट करता जा रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स बढ़ती जाएगी तो ये नेट फोर्स कम होती जाएगी, एक जगह पे जीरो हो गई, लेकिन जब तक नेट फोर्स डाउनवर्ड है तब तक एक्सीलरेट कर रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है, जहाँ नेट फोर्स जीरो हो गई वहाँ पे जाके वेलोसिटी जीरो थोड़ा हुई, वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तो ये यहाँ थोड़ा रुकेगा, ये और नीचे भागेगा, कब तक, जब तक रुक ना जाए, फिर स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा होगी वो वापस खींच के लाएगी और इसको इस तरह से ओसिलेट कराती रहेगी। यानी पहले केस में तो वो kx इक्वल टू mg पर रुकेगा, और दूसरे केस में क्या है, ये सिचुएशन थी और फाइनली ये सिचुएशन है, x डिस्टेंस नीचे आ गया, ठीक है, x डिस्टेंस नीचे आ गया, ये रेफरेंस लेवल ले लिया, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें रेफरेंस लेवल चाहिए ना, तो यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाएगी, जीरो, और इससे इधर नीचे आ गया तो माइनस एम जी एच तो ग्रेविटेशनल, और स्प्रिंग के पास हाफ के एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो यहां भी जीरो थी और यहां भी जीरो थी। अब ये देखो भाई, एक तो थी स्प्रिंग फोर्स, दूसरी थी ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों के लिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर ली, तो और कोई फोर्स बची नहीं, और कोई फोर्स ब्लॉक पे नहीं बची तो वर्क डन एक्सटर्नल क्या हो गया, जीरो, इनके लिए तो पोटेंशियल एनर्जी लिख ली, और जब एक्सटर्नल वर्क डन जीरो हो जाए तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, तो बाय काम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये भी जीरो, स्प्रिंग के भी जीरो है ना, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सब कुछ जीरो, फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल कितनी, माइनस एम जी एक्स, इसको इधर ले आओ तो एम जी एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और x से ये गया तो x आ गया 2mg by k, ये रिजल्ट याद रख लो, ये रिजल्ट फिक्स रहेगा, बहुत बार क्वेश्चन इस पर भी आ चुके हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है, तो दोनों केस ध्यान रखने हैं तुम्हें, पहले केस में mg by k, दूसरे में 2mg by k। अब ये देखो, ए वर्टिकल स्प्रिंग विद फोर्स कॉन्स्टेंट के इज फिक्स्ड ऑन ए टेबल, एक वर्टिकल स्प्रिंग है, फोर्स कॉन्स्टेंट दे दिया, एक टेबल पे फिक्स कर दिया, एक बॉल है, मास m है, h हाइट पे है स्प्रिंग के अपर एंड से, ठीक है, ऐसे टेबल पे फिक्स कर दिया, ठीक है, और एक बॉल है, मास m है, h हाइट पे है इससे ऊपर, और इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया, स्प्रिंग डी से कंप्रेस हो गया,
तो वर्क डन बताओ इस पूरे प्रोसेस में, नेटवर्क डन, नेटवर्क डन देखो। ये ब्लॉक ये देखो, एम जी किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एम जी किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये ब्लॉक यहां से आके और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स किधर रहेगी, स्प्रिंग फोर्स रहेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा इधर कितना, डी डिस्टेंस। तो स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक पे अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक की डाउनवर्ड, तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क तो आएगा नेगेटिव, कितना ये आ गया। एम जी का वर्क क्या हो जाएगा, एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी, एच प्लस डी, तो प्लस एम डी, एम जी इंटू एच प्लस डी, आंसर इज यही है ना, हाँ यही हो गया। तो एम जी इंटू एच प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वायर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेस्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 8 सेंटीमीटर तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ये देखो, जीरो थी जब अनस्ट्रेस था, 2 से स्ट्रेच किया तो ये हो गई हाफ इंटू 2 का स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करके लिख लेना चाहे। जब 8 से करोगे तो हाफ के इंटू 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर को बाहर ले लो तो 16 इंटू हाफ के इंटू ये स्क्वायर, और ये कितना है यू, तो आंसर है 16 यू, ठीक है। तो तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 16 यू के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 1 केजी इज थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक दिया और ये वहां पे जाके एक इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आई तुरंत नीचे, आफ्टर अटेनिंग ए हाइट ऑफ 18 मीटर हाउ मच एनर्जी इज लॉस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। भाई ये देखो कि यहां से ऊपर फेंका, ठीक है भाई, यहाँ 18 मीटर पे जाके ये रुक गई, भाई यहाँ वेलोसिटी है v, यहाँ वेलोसिटी हो गई 0, यानी यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। और फोर्स इसके पाथ पे देखो कि mg तो डाउनवर्ड और वेलोसिटी अपवर्ड है, तो एयर फ्रिक्शन भी डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट किधर है, अपवर्ड, तो टोटल वर्क डन लिखना किसका, mg का, तो माइनस एम जी इंटू हाइट 18 और इसका वर्क कितना W मान लिया, किसके इक्वल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, इनिशियल हाफ 1 इंटू 20 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देखो, इसको इधर ले आओ, तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन कितना आया, ये आ गया 400 बाय 2 माइनस 200, और ये कितना हो गया 1 इंटू 10, 10 इंटू 18 180, इधर ला के ऐड करो प्लस 180, तो ये कितना आया माइनस 20 जूल। तो एयर फ्रिक्शन की वजह से इतना नेगेटिव वर्क हुआ और ये एनर्जी उसने लूज कर दी, तो इतना एनर्जी लॉस हुआ कितना 20, ठीक है, इसका इतना नेगेटिव वर्क तो एनर्जी लॉस 20 जूल। थ्री हंड्रेड जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग ए 2 केजी ब्लॉक अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट एच, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज, भाई यहां पे देखो ये सारी चीजें वही आ गई, एयर रेजिस्टेंस का वर्क बताओ, फ्रिक्शन का वर्क बताओ, जिनकी वजह से एनर्जी लॉस हो रहा है उनकी वजह से कैलकुलेट कराना चाह रहा है, तो एक सी चीज ये पूछ रहा है तुमसे यहां, है ना। तो ये देखो, इतना वर्क हुआ,
तो यहाँ से यहाँ लेके आने में हाइट कितनी है? हाइट है 10 मीटर, ठीक है। तो अब इसने पूछा टोटल वर्क डन दे दिया तुम्हें, और वो किसके इक्वल है? वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स का प्लस फ्रिक्शन का। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क भाई एम जी किधर है? डाउनवर्ड है ना, और हाइट कितनी पे गया? ये 10 मीटर पे गया है ना, कितनी पे गया? 10 मीटर पे गया। तो यहाँ से जब ये यहाँ गया तो कितना नेगेटिव वर्क, कितना वर्क हुआ एम जी का? तो एम जी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो माइनस एम जी एच, तो माइनस एम जी एच प्लस वर्क डन ड्यू टू दिस। ठीक है, और ये देखो कि स्लाइड करके लाया तो टोटल वर्क डन, अब ये कह रहा है कि इतना वर्क करना पड़ा उसको ऊपर ले जाने में, वो अपने आप नहीं जा रहा था, तो उसने कुछ एक्सटर्नल वर्क भी किया, ये भी था ये भी था, और ये टोटल वर्क मिला के तुम्हारा कितना आया? ये आ गया -200 प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस 300। तो यहाँ से क्या आया? टोटल वर्क डन हो गया तुम्हारा 100 प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, और उसको स्लाइड करके जस्ट यहाँ पे रखा, तो टोटल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और जस्ट यहाँ पे भी रेस्ट पे था, यहाँ पे भी रेस्ट पे था, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है? इसको इधर ले आओ, -100। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज -100 एंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज, है ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज दिस, और वर्क डन के वर्क को कंपनसेट करने के लिए उसके अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ा? दैट इज इसका नेगेटिव, यानी 100 जूल। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट, टोटल वर्क डन लिख लिया, उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल लिया। यहां पे बस इसने ये मेंशन नहीं किया कि ऊपर जाके रेस्ट पे है, लेकिन यही मान लो कि ऊपर इसने कुछ मोशन के बारे में नहीं बताया और वहां ले जाके बस रखा है, तो यानी 0 ही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिन्स टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स, दे दी फोर्स दे दी, व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट द टाइम। भाई ये देखो, फोर्स तुम्हें दे दिए, ठीक है, और अब तुम्हें क्या कह रहा है कि इसकी वजह से पावर लिखो, है ना, इसकी वजह से क्या है? पावर लिखो। मास दे दिया, एक्सीलरेशन क्या लिखोगे? एक्सीलरेशन लिखोगे फोर्स बाय मास, एक्सीलरेशन इज मास 1 kg है, तो जो फोर्स है वही एक्सीलरेशन हो जाएगी। जी कह, ये आ गई, ठीक है। एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं dv बाय dt, तो ये आया 2ti कैप प्लस 3t2j कैप, ठीक है। अब ये देखो, तो वेलोसिटी dv इज 2ti कैप प्लस 3t2j कैप, इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? टी इक्वल टू 0 पे तो रेस्ट पे है, टी टाइम पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, तो यहां से आया dv का इंटीग्रेशन v, है ना, लोअर लिमिट तो 0 है, तो फिर चलो लिख ही लेता हूँ 2t dt, को इधर ले आए थे ना, तो 2t dt इज 2t2/2i कैप प्लस 3t2dt इज t³/3j कैप लिमिट 0 टू
टी, लोअर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, इसमें भी जीरो, तो सीधे वी इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, ये आ गया। और पावर होगी तुम्हारी फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब फोर्स कहाँ है, फोर्स तो ये रही, और फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, तो टू टी इंटू टी स्क्वायर टू टी क्यूब है ना, प्लस थ्री टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब, तो प्लस थ्री टी टू द पावर फाइव, तो आंसर इज टू टी क्यूब प्लस थ्री टी टू द पावर फाइव, आंसर इज बी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई तुम्हें फोर्स दे दी, एक्सीलरेशन लिखो, पावर की डेफिनेशन क्या है एफ डॉट वी, तो वेलोसिटी निकाल ली और सॉल्व कर लिया। द हार्ट ऑफ ए मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट, ठीक है, इतना ब्लड पर मिनट पंप कर रहे हैं, प्रेशर कितना दे दिया 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, कैलकुलेशन करवाएगा ये तो ज़्यादा। इफ द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज दिस एंड रो इक्वल टू ओ जी इक्वल टू दिस, देन पावर इन वॉट इज, भाई ये देखो कि प्रेशर ये दिया तुम्हें, तो प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज भाई मरकरी की हाइट की टर्म में दे दिया, तो प्रेशर हाइट की टर्म में क्या हो जाएगा, रो जी एच, रो इज 13.6 इंटू 10^3, ठीक है, जी इज 10 और ये कितना 150 मिलीमीटर, तो 10^-3, ठीक है। और ये देखो कि ये कितना आ जाएगा अब तुम्हारा, इससे ये कैंसल आउट, और ये आएगा तुम्हारा 13.6 इंटू 1500, ये प्रेशर आ गया। और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो पंप हो रही है वहां, वो कितनी दे दी 5 लीटर पर मिनट, तो 5 लीटर पर मिनट, तो इसको हमें क्या करना होगा, इसको SI में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 5 × 10^-3 मीटर क्यूब, और एक मिनट में कितने सेकंड 60, ठीक है। तो यहां से ये तुम्हारी क्या आ गई, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, पावर पूछ रहा है, पावर किसके इक्वल, पावर इज, ये पावर है भाई, दोनों पी सेम मत समझ लेना, dW/dt एंड वर्क डन इज प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, तो pdV/dt तुम्हारा पावर के इक्वल हो गया। अब बस इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी 13.6 इंटू 1500 इंटू 5 इंटू 10^-3 बाय 60, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6503 65 68 × 25 × 10^3, 25 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा × 10^3, कैंसिल करोगे तो 1.7, आंसर इज 1.7। थोड़ा कैलकुलेशन है क्योंकि ये डेंसिटी इस तरह से है, वरना सिंपल क्वेश्चन है कि प्रेशर। अब ये देखो यहाँ पे यूनिट से कितना गंदा गेम किया इसने, लीटर पर मिनट
मिलीमीटर, है ना। सारी यूनिट्स हमें यहाँ पे सेट करनी पड़ी कि प्रेशर है वो कैलकुलेट करना पड़ा रो जी एच की टर्म में, वॉल्यूम फ्लो रेट ये दे दी तो लीटर को कन्वर्ट करना पड़ा, मिनट को कन्वर्ट करना पड़ा। यहाँ पे ये ध्यान रखना वोट में पूछा है ना, तो सब कुछ SI में लेके चलना है और फिर पावर को इस तरह से डिफाइन करके हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो तुम्हारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट कराने के लिए सेट किए गए हैं। ये क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्राइवन बाय ए मशीन दैट डिलीवर्स ए कॉन्स्टेंट पावर k। ठीक है भाई, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t इज। भाई ये देखो, पार्टिकल का मास m है और उस पर एक कॉन्स्टेंट पावर लगा रहा है वो, है ना, उस पर एक कॉन्स्टेंट पावर लगा रहा है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम टी इज। पावर देखो, पावर दे दी तुम्हें कॉन्स्टेंट, ठीक है, पावर क्या दे दी तुम्हें कॉन्स्टेंट। और पावर को क्या लिख सकते हो, पावर को लिख सकते हो तुम यहां कि फोर्स और रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में रहेंगी। तो एफ डॉट वी को एफ इंटू वी लिख सकते हैं, ये दे दिया, और फोर्स को लिख सकते हो एम इंटू एक्सीलरेशन यानी डी वी बाय डी टी इंटू वी इक्वल टू के। ठीक है, ये देखो एम वी डी वी को एक तरफ रख लो, किसके इक्वल के डी टी के इक्वल, इंटीग्रेट करो, एम तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो, टी टाइम पे वी, तो एम इंटू वी डी वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाय टू किसके इक्वल के टी के। लोअर जीरो था तो बार बार लिमिट से पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब ये देखो कि यहां से इसको इधर ले जाओ तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू के टी बाय एम, और v क्या आ जाएगा, v तुम्हारा आ जाएगा रूट टू के बाय एम इंटू टी टू द पावर वन बाय टू। अलग क्यों किया, वेलोसिटी आ गई, एक बार एक्सीलरेशन लिखनी पड़ेगी, मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स लिखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वी बाय डी टी किसके इक्वल रूट टू के बाय एम तो है ही, इसका डिफ्रेंशिएशन वन बाय टू इंटू पावर टी टू द पावर माइनस वन बाय टू, तो एक्सीलरेशन आ गई, फोर्स आ जाएगी क्या, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो टू को अगर रूट के अंदर ले जाओ तो फोर हो जाएगा, तो टू बाय फोर वन बाय टू आएगा, तो रूट के बाय टू एम तो हो गया, टी टू द पावर माइनस वन बाय टू हो गई, मास से मल्टीप्लाई करोगे, मास को रूट के अंदर ले जाओगे स्क्वायर, एम स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो रूट के एम बाय टू इंटू टी टू द पावर माइनस वन बाय टू, तो फोर्स आई रूट एम के बाय टू टी टू द पावर माइनस वन बाय टू। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, वन कूली टेक्स वन मिनट टू रेज ए सूटकेस थ्रू ए हाइट ऑफ 2 meters, बट द सेकेंड कूली टेक्स 30 seconds टू रेज द सेम सूटकेस टू द सेम हाइट, द पावर्स ऑफ द टू कूली आर इन द रेशियो। भाई ये क्या कह रहा है, ये देखो, सेम हाइट तक रेज करो, सेम हाइट तक रेज करो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो उसने वर्क किया वो वर्क दोनों का सेम, भाई सूटकेस तो सेम है ना, तो एम जी तो दोनों के लिए सेम, हाइट सेम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कितना हो गया, माइनस एम जी एच, और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क दैट इज एम जी एच, तो वर्क तो दोनों के लिए सेम, ठीक है, और टाइम डिफरेंट है, तो पहले के लिए पावर क्या हो जाएगी, एम जी एच डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है भाई, 1 minute, 1 minute यानी 60 seconds, दूसरे के लिए कितना है, एम जी एच बाय 30,
और ये क्या हो जाएगा, रेशियो अगर ले लें तो 30/60 दैट इज 1/2, तो पावर का रेशियो कितना आ गया, 1:2। क्लियर है? तो ठीक है बेटा, हमने वर्क पावर एनर्जी में लास्ट वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, इस वीडियो में फिर हमने क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। हमने वर्क से लेके और लास्ट तक पावर तक के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन मैकेनिक ने सब डिस्कस किया है, तो इन सारे कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करना, इन क्वेश्चंस को फिर से प्रैक्टिस करना और इस चैप्टर के जितने भी पुराने क्वेश्चन मिले सभी को एक बार फिर से थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करना। बाय बेटा।